माने बड़े बड़े ब्रह्मा शंकर आदि देवाधिदेव भी दर्शन करने पहुंचते हैं। गोपियाँ कहती हैं, अरे सखी तू जाने नहीं, ब्रह्मा शंकर लाला को दर्शन करवे आवे, या लिए लाला को वन से ब्रज में लौटते लौटते बड़ो विलंब है जाए। संध्या का समय हो जाता है, देवगण मार्ग में स्तुति कर रहे हैं और भागवत जी में लिखा है देवा गोपाल रूपिण, देवता साक्षात रूप से नहीं, ग्वाल वालों के रूप में आकर ही ठाकुर जी की वंदना करते हैं, जैसे लीला में कोई विघ्न उपस्थित ना हो। अरे ठाकुर जी की लीला का बादल भी कितना ध्यान रखते हैं, मेघ मंद मंद मनोगर्जती मेघ धीरे धीरे गरजते हैं, कहीं ऐसा ना हो वंशी की ध्वनि हमारी गर्जना से इसका नाद का किसी तरह से नाद धीमी पड़ जाए। उसी स्वर से उसी ताल से बजते हैं जिस ताल और स्वर से वंशी बज रही है, कहीं लीला अपराध ना हो जाए। तो इन चर्चाओं को गाते गाते गोपियाँ अपना दिन व्यतीत करती हैं, कृष्ण मयता को प्राप्त होती हैं। सुखदेव जी महाराज आगे श्री ठाकुर जी के द्वारा अरिष्टासुर के उद्धार की चर्चा किए हैं। ब्रज में अरिष्टासुर का आगमन हुआ, ब्रजवासियों को भयभीत देखकर भगवान ने अति शीघ्र इसका उद्धार संहार किया और अरिष्टासुर की मृत्यु की सूचना पाकर कंस चिंतित हुआ। बड़े बड़े दैत्य इस छोटे से बालक ने समाप्त कर दिए, आखिर ऐसा इसमें है क्या। नारद जी आए हैं और कंस का हितैषी बनकर कुछ ऐसी बातें कही हैं, महाराज आप धोखे में न पड़े, भ्रमित न हो, ये देवकी वसुदेव साधारण स्त्री पुरुष नहीं, ये तो देवी देवता है, मारने का कुचक्र रचा गया है और आप जानते हो या न जानते हो पर मैं आपका परम हितैषी हूँ। अच्छा नारद जी तो कुछ हित की बात कहें, बोले हित की बात यही है जो आठवां बालक देवकी के हाथ से तुमने कन्या छीनी थी वह वस्तुतः यशोदा मैया की कन्या थी और यह आठवां बालक ही नंद गोकुल में रह रहा है जो देवकी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। अच्छा हो कि बढ़ने से पहले ही अपनी मृत्यु संकट को नष्ट कर दिया जाए, तब इसके लिए क्या उपाय करें, बालक तो बड़ा शक्तिशाली लगता है, बड़े बड़े असुर मार दिए। नारद जी बोले चिंता न करें, बहुत सी नीतियाँ होती हैं शत्रु को अवनत करने के लिए, अपने से इसी को कूटनीति कहा है, अपने से श्रेष्ठ कोई बलवान हो तो अपने से श्रेष्ठ बलवान के सामने बहुत अधिक ना बोले, उससे संधि कर ले, उसको अपने में मिला ले, कम शक्तिशाली हो तो उसको घुड़की दिखा के चुप कर दे, लोभी हो तो उसको धन आदि देकर जो चाहिए प्रलोभन डालकर उसको शांत कर दे और इस तरह से अपने शत्रु से निपट लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यह बालक आपसे अधिक सामर्थ्य रखता है तो इस तरह नहीं, इसको यहाँ किसी बहाने से बुलाओ और जैसे ही मल्ल क्रीड़ा यह करेगा किसी भी मल्ल के साथ, बड़े बड़े आपके पास एक से एक बड़े मल्ल हैं, जहाँ कुश्ती क्रीड़ा करेगा और वे मल्ल खेल खेल में समाप्त कर देंगे। तब कंस ने कहा नारद जी यह शुभ काम आप ही क्यों नहीं कर देते, आप बुला लाइए दोनों बालकों को। नारद जी बोले नहीं नहीं महाराज, विश्वास पात्र व्यक्ति जाना चाहिए, ऐसे कैसे नंद जी किसी के साथ अपने बालक भेज देंगे, तो ऐसा कौन विश्वास पात्र है। बोले अक्रूर जी को आप बहुत सावधानी से समझाएं, अक्रूर जी ब्रजवासियों के बड़े प्रेमी भी हैं, वे जाएंगे तो किसी प्रकार का कोई संदेह भी नहीं होगा। अक्रूर जी को कंस ने बहुत समझाया है और अक्रूर जी महाराज अपना एक हित देखकर जाने को तैयार हो गए, जो जीवन का परम हित है, मुझे कम से कम श्री कृष्ण का दर्शन लाभ तो प्राप्त होगा। अक्रूर जी महाराज जाने को तैयार हुए। उसी बीच भगवान ने केशी व्योमासुर का संहार किया है और अक्रूर जी जब रथारूढ़ होकर चले हैं, सारा मार्ग भर यही चिंतन है कैसे श्री कृष्ण होंगे, मन में कई संकल्प विकल्प उठते हैं, शत्रु मानेंगे या अपना संबंधी मानेंगे, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव, वे तो अंतर्यामी हैं, सबके हृदयगत भावनाओं को जानते हैं, वे मुझे शत्रु नहीं समझेंगे, जो भी समझें मुझे तो उनका दर्शन लाभ होगा ही होगा। अक्रूर जी महाराज के नेत्रों से अश्रुधारा सात्विक दसों भाव उत्पन्न हो रहे हैं और श्री अक्रूर जी महाराज आठों भाव सात्विक सत्वगुण के शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं, पुलक कंपन रोमांच वाणी का अस्थिर होना, इन स्थितियों को प्राप्त होते हुए सुबह से चले हुए अक्रूर जी जब संध्या होते होते गोकुल में प्रवेश किए हैं, चारों ओर से वो गौधूली बेला थी,
आवनी के पद चारों ओर गाए जा रहे थे और श्री ठाकुर जी गाय वत्सों के साथ ब्रजभूमि को लौट रहे हैं। जो भूमि गैयाओं का अब लाखों गैया 9 लाख गैया तो नंद बाबा की ही थी। ब्रज में कितनी गायें थीं? वृषभानुवर उनके पास 1 करोड़ गौवंश था। इतना विशाल गौवंश, गोकुल का मतलब ही क्या है? जो गायों का कुल हो, जहाँ गाय ही गाय निवास करें। तो इतनी गायें जब भूमि पर चलती थीं, तो इतनी गायों के चरणों से, खुरों से जब भूमि खुंदित होती थी, तो निश्चित है कि पृथ्वी देवी को कष्ट होता था। लेकिन आगे आगे गैया चल रही हैं और पीछे पीछे श्री ठाकुर जी भूमि के उस सारे कष्ट को दूर करते हुए जा रहे हैं। जहाँ श्री गोपाल जी के चरण पड़ जाएं तो भूमि की सारी वेदना, सारा कष्ट शांत हो जाता है। फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम, ये वही चरण हैं। कालिय नाग के विषधर फण पर गए तो उसका विष भी ठंडा कर दिया। और उन्हीं चरणों से जब श्री वृंदावन में श्री गोपाल जी प्रवेश करते हैं, भूमि का सब कष्ट, गोपियों का शोक रूपी कष्ट, विरह रूपी कष्ट सब दूर हो जाता है। अक्रूर जी जब वहाँ पहुँचे हैं, श्री गोपाल जी के चरण चिन्हों को भूमि में देखकर रथ से उतरे, बार बार उस रज को अपने सर्वांग में लेपन करते हैं और अक्रूर जी महाराज भाव विवल हो रहे हैं। खिरक में गए हैं, कृष्ण बलराम भैया का दर्शन प्राप्त किया है और भगवान ने जब आगमन का कारण पूछा, तब अक्रूर जी ने श्री भगवान को अवगत कराया, प्रभो यद्यपि आया तो बहुत जघन्य काम के लिए हूँ, पर क्या करूँ, आपके दर्शन का लोभ मन में था, चला आया। कंस आपको मारने के लिए कटिबद्ध हो गया है, मैंने सत्य आपको बता दिया। अब आप चाहें परसों अक्रूर जी के साथ, हमारे साथ आप चाहें तो चलें और न चाहें तो न चलें। हम श्री भगवान की, आप ही की प्रेरणा से आए हैं और कंस ने बहुत समझा बुझाकर हमें यहाँ भेजा है। अब श्री भगवान बोले, चाचा जी आप चिंता ना करें, परसों अवश्य ही हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन नंद बाबा को ये बातें आप न कहें। नंद बाबा से मिले तब श्री अक्रूर जी महाराज ने वही सब बातें कहीं जो कंस ने भेजा था कहने के लिए, सच सच बात नहीं कही। अब जैसे यह जाना महाराज नंद जी ने कि कंस चाहता है हमारे दोनों लाला मथुरापुरी एक बार घूमें, नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, सारे ब्रज में ड्योढ़ी पिटवा दी, कृष्ण बलराम भैया अक्रूर जी के साथ मथुरा गमन करेंगे। जो जो गोप चलना चाहें, वार्षिक कर भी चुका आवें, अपना गौरस एकत्रित कर लें। चारों ओर तीव्र वायु गति से खबर फैल गई। ब्रज गोपी जन परस्पर में एक दूसरे से कह रही, अरे सखी कछु सुनो है, हमारे कृष्ण बलराम दोनों कल मथुरा जा रहे हैं, गोकुल छोड़कर जा रहे हैं। अहो विधाता तव न क्वचित दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिन हम। अरे विधाता, तेरे अंदर दया नाम की चीज़ नहीं है। जब कृष्ण यहाँ रहे तब भी इन नेत्रों ने हमें सुखपूर्वक उन्हें देखने नहीं दिया, और अब जब यहाँ से जा रहे हैं तो हमने कृष्ण को मन भरकर अभी देखा भी नहीं था, बात भी नहीं की थी। तेरे लिए संयोग वियोग खेल हो सकता है, पर किसी विरही से, वियोगी प्रेमी से पूछो वियोग में क्या स्थिति होती है, कह नहीं सकता। गोपियाँ व्रजस्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसा, विसृज्य लज्जाम रुरुदुस्म सुस्वरम, गोविंद दामोदर माधवेति। लज्जा छोड़ के, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, आप मत जाओ। लज्जा छोड़ कर रुदन करने लगी, पुकारने लगी। यह प्रेम दशा ही ऐसी है, स्थिति ही ऐसी है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा है, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। प्रेम के विषय में अगर कोई पूछे कि कहो प्रेम क्या है, तो कोई बता नहीं सकता। ये वाणी का विषय नहीं, केवल अनुभव का विषय है। प्रेम को वाणी से नहीं बताया जा सकता, और अगर कोई बताए भी तो एक प्रेमी के अलावा प्रेम की स्थिति कौन समझ सकता है। अरे संसारी लोग तो पागल ही कहेंगे, ये तो मूर्ख ही कहेंगे, ये तो इसको मनोरंजन के रूप में लेंगे, ये तो इसका उपहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। इसलिए श्री मीरा जी ने कहा अपने एक भाव में,
दुखन लागे नैन दर्श बिना दुखन लागे नैन विरह कथा कासों कहूँ सजनी विरह कथा कासों कहूँ सजनी बह गई करवट ऐन दर्श बिना दुखन लागे दर्श जौहर जाने एक स्त्री जो जौहर करती है उसको क्या कष्ट जिंदा चिता में जल जाती है उसके कष्ट का अनुभव कोई जौहर करने वाली स्त्री ही जान सकती है। मीरा जी कह रही हैं जब से तुम बिछोड़े प्रभु मोरे जब से तुम बिछोड़े कल ना परत मोहे
महाराज जी ने कहा बह गई करवट एन, मेरी सारी रात तो करवट बदलते बदलते निकल जाती है। कल ना परत मोय हरिमग जोहत, बार बार अटालिका पर चढ़ती हूँ, यहाँ से प्रियतम आएंगे, यहाँ से गिरधारी आएंगे, भई छमासी रहन, एक एक रात ऐसी लगती है जैसे छः छः महीने की रात हो गई हो। इन दशाओं को, इन अवस्थाओं को एक प्रेमी के बिना कौन समझ सकता है। इसलिए नारद जी ने कहा अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, प्रेम का जो स्वरूप है वह अनिर्वचनीय है, कहा जाने योग्य नहीं है। बड़ा सुंदर भाव है, कभी ना गाया जिन गीत विरह का, वो प्रीति स्वरों को क्या जानेगा। तारों की झनकार में झूमा, वो दर्द विरह का क्या जानेगा। और पत्थर सा दिल कठिन है जिसका, वह फूलों की कोमलता क्या जानेगा। और विष्ठा भोगों का कीड़ा, वह युगल प्रेम को क्या जानेगा। जिनकी दृष्टि विषय से कभी अतीत ही न हुई हो, वह इस प्रेम के स्वरूप को क्या जाने। उन्हें तो प्रेमियों का व्यवहार भी उपहासास्पद लगता है, उसका भी मूढ़ लोग मजाक उड़ा देते हैं, संसार उन्हें पागल कहता है, बौराया हुआ कहता है। ब्रज गोपी जन जिनका प्रेम कुछ ऐसा ही है, ना प्रेम प्रकट करती हैं, और प्रकट भी करें तो ऐसा कोई पात्र दिखाई नहीं पड़ता जो उनके प्रेम के मूल्य को समझ सके, जो उनकी प्रेम दशा को समझ सके। विसृज लज्जा मृदुस्म स्वस्वरम, गोविंद दामोदर माधवेति, लज्जा छोड़ के हे गोविंद हे दामोदर माधव कहकर रुदन करने लगी। प्रेम की गति इतनी विचित्र है, जहाँ श्री एक भक्त हुए हैं महापुरुष श्री हरिश्चंद्र जी महाराज, मोही मोही मोहन मयोरी मन मेरो भयो, हरिश्चंद भेद न परत पहचान है, कान भय प्राण में प्राण भय कान में, हिये में न जान पड़े कान है कि प्राण है। चित्त में यही नहीं पता चलता, क्योंकि प्राण और श्री कृष्ण दोनों तादात्म्य भाव को प्राप्त हो गए हैं। प्राण जी रहे हैं कि हृदय में श्री कृष्ण जी रहे हैं उस रूप में, यह पता ही नहीं चलता। और जिन गोपियों ने अपना सर्वस्व उन कृष्ण को समर्पित कर दिया, तन मन प्राण सब कुछ, वे गोपियां श्री कृष्ण के बिना जीने की कल्पना भी कैसे कर सकती हैं। गोपियों ने मन बना लिया, निवार यामह समुपेत्य माधवम, हम सबकी सब मिलकर कृष्ण को लौटा लेंगे। यशोदा मैया रात्रि भर मैया को नींद कहाँ, बार बार यही संकल्प विकल्पों के समुद्र में डूब रही है, कल कन्हैया मथुरा तो जा रहा है, मैं कैसे रहूँगी, कन्हैया जाकर लौटेगा कि नहीं लौटेगा। बार बार चित्त कंपित हो जाता है यह सोच के कि कहीं मेरा वह दुर्भाग्य तो नहीं जो मुझे आज के बाद पुनः फिर कृष्ण का दर्शन करने का अवसर ही न मिले। यशोदा मैया ने अपने लाडले कन्हैया को श्रृंगार कराया है, सजाया है। सवेरा हुआ, अक्रूर जी रथ लेकर द्वार पर खड़े हो गए। जैसे ही श्री भगवान दाऊ भैया के साथ श्री ठाकुर जी रथारूढ़ हुए हैं, यशोदा मैया तो जैसे मूर्छित होकर ही गिर गई। मैया तू इतना रुदन क्यों कर रही है, लाल जी दौड़ कर गए। यशोदा मैया बोली लाला जननी दुखित जान के मथुरा गमन न करिए, अगर अपनी माता को सुख देना चाहता है तो तू जा मत, मैया तू चिंता मत कर, बाबा की इच्छा है हम दोनों भैया मथुरा घूम आवें, अति शीघ्र हम लौट आवेंगे। जैसे तैसे मैया को आश्वस्त किया है, रथारूढ़ होकर जैसे ही चले हैं श्री भगवान, मार्ग में ब्रज गोपियाँ जहाँ रथ के मार्ग को अवरुद्ध किए खड़ी हुई हैं, श्री ठाकुर जी ने ब्रज गोपांगनाओं को बहुत सुंदर प्रेम का तत्व कहा है। हे ब्रज देवियों, प्रेम की गति न संयोग में कम होती है न वियोग में कम होती है,
संप्रलंब और विप्रलंब ये दोनों अवस्थाएं प्रेम की पुष्टि कारक होती हैं। इसलिए यदि वियोग का समय भी उपस्थित हुआ है तो घबराती क्यों हो, इससे तुम्हारी चित्तवृत्ति और भी अनन्यता के साथ मुझ में लगेगी और जब जहां मेरा चिंतन करोगी अनुक्षण मुझे वहीं पाओगी। विरह से भयभीत नहीं होना चाहिए प्रेमी को, जैसे चकवा चकई विरह का सुख भी निकट रहते हुए लेते हैं और दिन होने पर संयोग का सुख भी लेते हैं, इसी का नाम प्रेम की पूर्णता है। ब्रज गोपी जन मन ही मन विचार कर रही हैं, देखो आज तक जिसने भी प्रेम किया उसने वस्तुतः सुख पाया कहाँ। बड़ा सुंदर श्री सूरदास जी महाराज का बहुत सुंदर पद है, प्रीति करी काहू सुख ना लयो, प्रीति करी काहू सुख ना लयो, प्रीति करी काहू सुख ना लयो, प्रीति करी काहू सुख ना लयो। प्रेम करके आज तक सुख पाया किसने, किसी को सुख नहीं मिला। प्रीति करी काहू सुख ना लयो, लेकिन नहीं काट सकता, हाथी आता है खा लेता है और मारा जाता है। हिरण ने प्रेम किया शब्द से, बदिक के बैन ही उसको मार देते हैं, लेकिन आसक्ति छोड़ नहीं पाता। संसार में भी किसी जीव ने प्रेम करके सुख पाया कहाँ, ऐसे ही गोपियां कह रही हैं। हमने भी गोपाल से ये सोचकर प्रेम किया था सुख मिलेगा, लेकिन सुख मिला कहाँ। हम जो प्रीति करी माधव सो, हम जो प्रीति करी माधव सो, चलत ना कछु कहो, प्रीति करी काहू सुख ना लयो, प्रीति करी सुख ना लयो। सूरदास प्रभु बिन दुख दूनों
गोपीजन, श्री ठाकुर जी ने समझाया है, मार्ग दिया, मार्ग में श्री भगवान ने अक्रूर जी महाराज को अपनी महिमा का बोध कराया है। यमुना जी में स्नान करते हुए श्री भगवान ने अक्रूर जी को अपने ऐश्वर्य की महिमा का बोध कराया। इधर नंद बाबा आदि पूर्व ही मथुरा पहुंच चुके हैं, कृष्ण बलराम भैया की प्रतीक्षा में हैं। दोनों भाई आए हैं, अक्रूर जी को कहा है चाचा जी आप जावें और महाराज कंस को सूचित कर दें, हम दोनों भाई ब्रज गोप ग्वालों सहित यहाँ आ चुके हैं। कंस को सूचित किया गया। अगले दिन समस्त ब्रजवासी गण मथुरापुरी घूमने के लिए निकले हैं। जहाँ तहाँ चारों वर्णों से पूजित हुए और भगवान ने मथुरा नगरी में अनेक लीलाएं की हैं, मथुरा के नर नारियों को भी अपने ऐश्वर्य शक्ति का ज्ञान कराने के लिए भगवान ने राज धोबी के ऊपर कृपा की है, सुदामा माली के ऊपर कृपा की है, कुब्जा को नव यौवन स्वरूप प्रदान किया है और रंगशाला में जाकर धनुर्भंग किया है। धनुष भंग होने का समाचार पाते ही कंस को भय उत्पन्न होने लगा, क्योंकि परशुराम जी ने जिस समय यह धनुष वैष्णव धनुष कंस को दिया था, साथ ही कह दिया था यह धनुष जो भी तोड़ देगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। अब तो कंस को ऐसा लगने लगा जैसे काल को ही निमंत्रण दे दिया हो। अगले दिन कुबल्या पीड़ को मदरा पिला के, हजारों हाथियों बल वाले हाथी को मदरा पिला के दरवाजे पे महावत सहित खड़ा कर दिया गया। और जिस समय वह महावत गलत व्यवहार श्री भगवान के साथ करने लगा, मार्ग नहीं दे रहा था रंगभूमि में जाने का, भगवान ने खेल ही खेल में महावत सहित उस हाथी को समाप्त कर दिया। हाथी के दांतों को एक कंधे पर रख कर दोनों भैया जब रंगभूमि में प्रवेश किए हैं, वहाँ भगवान ने भावानुरूप सबको दर्शन दिया। पहलवानों को वज्रमय दिखाई पड़ रहे हैं, यदुवंशियों को संबंधी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, देवकी वसुदेव को छोटे से बालक के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं और कंस को तो साक्षात काल के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। मथुरा की नारियों को कामदेव का जैसा स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। भावानुरूप भगवान ने सबको दर्शन दिया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। और उसके बाद भगवान ने चाणूर मुष्टिक कूट शल तोशल, ये जो मुख्य पांच मल्ल खड़े किए गए थे श्री ठाकुर जी को मारने की दृष्टि से, भगवान ने उनके साथ मल्ल क्रीड़ा की है और खेल खेल में उन पांचों मल्लों को समाप्त किया। बाद में कंस ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी उद्दंडी ग्वाल वालों को राज्य से भगा दिया जाए।